सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति अधूरी होती है। दोस्तों, ये बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यूं ही नहीं कही थी। आज जो भी राजनीतिक दल हैं, वे कहीं ना कहीं सामाजिक शक्तियों के सामने, सामाजिक आंदोलनों के सामने अपना मस्तक झुका रहे हैं। अभी आपने कल मैंने आपको जो एक न्यूज सुनाई कि मोदी सरकार की कैबिनेट ने 13 पॉइंट रोस्टर को खारिज करते हुए 200 पॉइंट रोस्टर को लागू करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि वे मध्य प्रदेश की जो आधी आबादी है ओबीसी की, जिसे 14% आरक्षण मिलता था, और आपको मैं बता दूं, पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, लेकिन उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए जो उन्हें 14% आरक्षण मिल रहा है, जबकि ओबीसी की आबादी 1931 की जनगणना के अनुसार 52% है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो हमारा आंदोलन चल रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस को या जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन्हें समझ आई, और उन्होंने कल घोषणा कर दी कि हम अध्यादेश लाएंगे, हमारी सरकार अध्यादेश लाएगी, और वो हम 27% आरक्षण मध्य प्रदेश की ओबीसी वर्ग को देंगे। दोस्तों, 27% आरक्षण का मतलब यह है कि इसके पहले यानी कि अभी 14% आरक्षण मिलता है ओबीसी वर्ग को मध्य प्रदेश के अंदर में। पुनः आरक्षण देने की बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही है। 27% आरक्षण का मतलब क्या है? 27% आरक्षण का मतलब है लाखों नौकरियों में उन्हें अवसर मिल सकता है। 27% आरक्षण का मतलब यह है कि जो स्कूल है, जो शिक्षा के केंद्र है, विश्वविद्यालय है, से ओबीसी वर्ग के बच्चों को काफी फायदा पहुंचेगा। ये सारी चीजें दोस्तों अभी हो रही है, घटित हो रही है। इसका कारण क्या है, सोचा कभी आपने? ये आखिर कैसे हो जा रहा है? दोस्तों, यह सब इसलिए हो रहा है कि ये लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, ये लोग भी हमारे आंदोलनों को देख रहे हैं। 5 मार्च को आंदोलन हुआ, जो उसके पहले आंदोलन हुए, SC ST एक्ट जो बदल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और सरकार की सहमति से, और उसके खिलाफ में जब SC ST OBC सड़कों पे आए थे, और देश में आज तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ इन वर्गों के माध्यम से, उस आंदोलन को देखकर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी राजनीतिक दल हो, वे सारे समझ गए थे कि अब ये वर्ग सोया नहीं है, अब इसे गुलाम बनाए रखा नहीं जा सकता, इसलिए इनके हितों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमें यह सोचना है कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो बेकार नहीं जा रहा है, हम जो लोगों को समझा रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं, और लोग तो समझ ही रहे हैं, राजनीतिक दल भी इस बात को समझ रहा है, इसलिए राजनीतिक दल के लोग पीछे नहीं हट रहे हैं आपकी बात मानने के लिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दों को और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही, उसे विश्वास है कि हम पाकिस्तान पे जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है उसके कारण हम आसानी से चुनाव जीत लेंगे। लेकिन भाजपा को यह भी अब समझ आ गया है, जब तक हम SC ST OBC को अपने साथ में नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी वो मुद्दे लेके आ जाए, अब धार्मिक मुद्दे लाए या कोई भी युद्ध की बात करे, अब ये वर्ग ये कह रहा है कि हमको नौकरी चाहिए, अब ये वर्ग ये पूछ रहा है सरकार से हमें संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्यों नहीं मिल रहे हैं, या हमारे संवैधानिक प्रावधान खत्म क्यों किए जा रहे हैं, अब ये पूछ नहीं रहा है, अब ये सड़कों पे आ रहा है और भारत बंद जैसे बड़े आंदोलन कर रहा है, एक क्रांतिकारी आंदोलन कर रहा है। दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इन वर्गों के सामने झुक रही है। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।